आज गेट की एक और बुक का मैं रिव्यू लेकर आया हूँ। ये बुक है सैनगेज पब्लिकेशन की और इसके जो राइटर है वो है मरुट तिवारी जी। और इसमें ये गेट 75 डेज के नाम से आती है ये बुक। और मैं आपको एक चीज इस बुक के बारे में बताना चाहूंगा कि ये बुक एक की है गेट की, और ये बुक जितने भी बच्चे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास होनी ही चाहिए। ये की है, जैसे कि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए कोई की पढ़ते हैं वैसे ही ये की है। दिस इज अ की फॉर द गेट। और 75 डेज से आप समझ गए होंगे कि पर डे के हिसाब से आपको कितना पढ़ना है और 75 डेज में फुल सिलेबस कवर करना है। ये इस बुक में दिया हुआ है जो आज तक किसी बुक में नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। और ये बुक यूजफुल फॉर PSUs, IES एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, ठीक है ना। 75 डेज प्लान टू प्रिपेयर गेट, जैसा कि मैंने बताया, इंक्लूड प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन पेपर्स भी है इसमें, लास्ट 4 ईयर सॉल्व पेपर्स ऑन द ऐप। इसमें एक ऐप दी गई है, उसका लिंक दिया गया। उस लिंक में अगर आप ये बार कोड जो है स्कैन करेंगे तो आपको लास्ट 4 ईयर्स के पेपर ऐप में मिल जाएंगे। 3 मॉक टेस्ट ऑन ऐप, 3 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। एडिशनल कंटेंट ऑन जनरल एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऑन ऐप, ठीक है। तो ये 75 डेज में मैकेनिकल का पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। मरुट तिवारी जी इसके राइटर है, जो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं गेट के। और इसके बारे में मैं यही बोलूंगा बिल्कुल कि ये जो बुक है पर्टिकुलरली, दिस इज द की फॉर द गेट। ओके, तो ये की है। और मैं इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर कंटेंट से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और कंटेंट्स इसमें आप देखिए डे वाइज दिए हुए, कितनी अच्छी बात है कि आपको प्लान कर दिया है इस बुक ने। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 75 डेज तक का प्लान आपको कर दिया है, ठीक है ना। ये एक बहुत ही अच्छी बुक है, हर गेट एस्पायरेंट के पास ये बुक होनी ही चाहिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप मुझ पर पर्सनली विश्वास करिए, ये बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। और इसका एक नया एडिशन आने वाला है 21 के लिए, वो आप बिल्कुल खरीद लीजिएगा, ठीक है। और इसमें मैं कंटेंट आपको बता दूं, डे 1 कंटेंट है 4 सिस्टम एंड इक्विलिब्रियम, डे 2 कंटेंट है ट्रसेस एंड फ्रेम्स, डे 3 कंटेंट है एनालिसिस ऑफ ट्रांसलेशन 1 काइनेमेटिक्स, एनालिसिस ऑफ ट्रांसलेशन 2 काइनेटिक्स, और डे 5 है एनालिसिस ऑफ रोटेशन, डे 6 है एनालिसिस ऑफ जनरल प्लेन मोशन, डे 7 सेंट्रॉइड एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, डे 8 एक्सियल लोडिंग, डे 9 टॉर्शनल लोडिंग, डे 10 शेयर एंड बेंडिंग, डे 11 शेयर एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, डे 12 शेयर एंड बेंडिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, डे 13 कंबाइंड लोडिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, डे 14 कंबाइंड लोडिंग 2 जनरलाइज हुक्स लॉ एंड इलास्टिक कॉन्स्टेंट, डे 15 कॉलम्स एंड एनर्जी मैथड, डे 16 फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स, डे 17 काइनेमेटिक एनालिसिस ऑफ प्लेनर मैकेनिक्स, डे 18 डायनेमिक एनालिसिस ऑफ प्लेनर मैकेनिक्स एंड फ्लाईव्हील, डे 19 गवर्नर्स, 20 बैलेंसिंग, 21 गियर्स, 22 गियर ट्रेन्स, 23 वाइब्रेशन 1, 24 वाइब्रेशन 2, 25 डिजाइन फॉर स्टैटिक लोडिंग, 26 डिजाइन फॉर डायनेमिक लोडिंग, 27 डिजाइन ऑफ जॉइंट्स, 28 डिजाइन ऑफ बियरिंग्स, 29 डिजाइन ऑफ ब्रेक्स एंड क्लचेस, 30 डिजाइन ऑफ स्प्रिंग, 31 फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड डायमेंशनल एनालिसिस, 32 फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स, 33 फ्लूइड काइनेमेटिक्स 1, 34 फ्लूइड काइनेमेटिक्स 2, 35 फ्लूइड डायनेमिक्स, 36 विस्कस इनकंप्रेसिबल फ्लो इंटरनल, 37 विस्कस इनकंप्रेसिबल फ्लो एक्सटर्नल, 38 टर्बो मशीनरी, 39 स्टेडी स्टेट कंडक्शन, 40 ट्रांजिएंट कंडक्शन एंड फिन्स, 41 कन्वेक्शन, 42 रेडिएशन 1, 43 रेडिएशन 2, 44 हीट एक्सचेंजर, 45 फंडामेंटल्स एंड वर्किंग फ्लूइड, 46-47 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 48 सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 49 एंट्रोपी, 50 एनालिसिस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, 51 अवेलेबिलिटी एंड रिवर्सिबिलिटी, 52 पावर इंजीनियरिंग, 53 आईसी इंजन, 54 रेफ्रिजरेशन, 55 साइकोमेट्रिक, 56 मटेरियल साइंस, 57 कास्टिंग प्रोसेस, 58 कास्टिंग प्रोसेस 2, 59 फॉर्मिंग प्रोसेस 1 फंडामेंटल्स एंड रोलिंग, 60 फॉर्मिंग प्रोसेस 2 फोर्जिंग ड्रॉइंग एंड एक्सट्रूजन, 61 फॉर्मिंग प्रोसेस 3 शीट मेटल वर्किंग, 62 वेल्डिंग प्रोसेस,
63 मशीनिंग प्रोसेस फंडामेंटल, 64 मशीनिंग प्रोसेस, 2 टूल ज्योमेट्री लाइफ एंड वियर, 65 मशीनिंग प्रोसेस, 3 मैकेनिक्स ऑफ ऑर्थोगोनल मशीनिंग, 66 मशीनिंग प्रोसेस, 4 मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस, 67 मेट्रोलॉजियन इंस्पेक्शन, 68 कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेम, 69 पीपीसी फोरकास्टिंग प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का है पीपीसी 1 फोरकास्टिंग, 70 प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल पीपीसी 2 एवरेज एग्रीगेट प्लानिंग एंड एमआरपी, 71 पीपीसी 3 शेड्यूलिंग एंड सिक्वेंसिंग, 72 इन्वेंट्री कंट्रोल, 73 लीनियर प्रोग्रामिंग, 74 ट्रांसपोर्टेशन ट्यूनिंग थ्योरी और 75 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये आपका डे वाइज प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है 75 डेज का, इसमें कोई भी शक नहीं है। 75 डेज के की ये बुक जो है बहुत ही एक्सपीरियंस प्रोफेसर मधु तिवारी जी द्वारा, जो गेट की बहुत साल से कोचिंग ले रहे हैं, उनके द्वारा ये तैयार की गई है। अब देखिए इसमें थ्योरी का लेवल देखिए, ये बेसिकली नोट्स हैं, है ना। दिस इज द की फॉर द गेट, मैं पहले ही बता दूं ये की है। अगर आपने इस गेट इस बुक को पूरा सॉल्व कर लिया तो आपके हाथ से स्कोर कार्ड कोई नहीं छीन सकता, ये स्कोर कार्ड आना ही आना है। अब डे वन का मैं बता दूं, 4 सिस्टम है एंड इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा ज़्यादा देर का वीडियो रहेगा ये, क्योंकि इसके इसकी इस बुक की सारी विशेषताओं को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। डे वन में आप थ्योरी देखिए, कितने सिस्टमेटिक थ्योरी चार्ट वाइज दी गई है, कोई फालतू थ्योरी नहीं है। जो जो भी गेट के अभी तक के न्यूमेरिकल्स आए उन पर बेस्ड जो थ्योरी है, उसके आसपास की जो थ्योरी है वो थ्योरी इसमें कलेक्ट की गई है, ठीक है। और ये पूरी की पूरी मैकेनिक्स की थ्योरी दी गई है, और यहाँ तक पूरे जो है कंडीशनल बेस्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, ये भी कंडीशनल बेस्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं पूरे के पूरे, यहाँ से ये प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं, ठीक है। और ये एक 1.3 का क्वेश्चन आया, ये 1.2 क्वेश्चन आया, और ये 1.1 क्वेश्चन यहाँ पर पहला जब थ्योरी दी गई है तो ये उसका इलस्ट्रेट एग्जाम्पल दिया गया, मतलब यही थ्योरी उसका ये एग्जाम्पल, यहाँ थ्योरी उसके ये एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। और ये कंटिन्यू एग्जाम्पल्स चलते जाते हैं, और ये गेट के प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर। आपने थ्योरी पढ़ी, एक स्टैंडर्ड थ्योरी पढ़ी, फालतू थ्योरी नहीं पढ़ी, ये प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर, ये इन्होंने क्वेश्चंस दिए और ये उसके सॉल्यूशंस दिए। ये आपका डे वन कंप्लीट, मतलब डे वन में आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि इससे कम पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक स्टडी किसी की हो नहीं पाती, कोई एक प्रॉब्लम में अटक जाता है, कुछ अटक जाता है, आपको डे वन में यहाँ तक कंप्लीट करना है, बस आप ये सोच कर बैठिएगा जब भी पढ़ने बैठेंगे। डे टू ट्रसेस एंड फ्रेम्स के बारे में देखिए, ये बुक इनिशियल लेवल पर कोई बच्चा अगर तैयारी करता है उसके लिए बहुत अच्छी है, अगर उसके थोड़े बहुत भी बेसिक्स अच्छे हैं तो, ठीक है ना। और थ्योरी जो है बहुत अच्छी है, आप जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हो, जैसे कि ये प्रॉब्लम इन्होंने ये दी हुई है 2.1 वाली प्रॉब्लम, अभी 2.1 वाली प्रॉब्लम देखी, अगर उसके थोड़े बहुत भी उसने बी में तैयारी करी तो यहाँ पूरी थ्योरी पढ़ेगा वो, और जान लेगा कि हाँ ये फोर्सेस रिजोल्यूशन वाले जो चैप्टर में हमने ये मैकेनिक्स में पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम दी है, फिर ये थ्योरी दी है ट्रसेस की, और ये ट्रसेस की थ्योरी देने के बाद फिर ये प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स दिए हैं। ये ट्रसेस की थ्योरी इतनी है, इसमें आपके साइन कन्वेक्शन वगैरह, फोर्सेस एनालिसिस वगैरह बेसिक बताया हुआ है ये, और फिर उसके बाद ये इसने एक प्रॉब्लम दे दी जो टफ प्रॉब्लम है थोड़ी सी, और इसके थ्रू आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो प्रीवियस सॉल्व पेपर। मतलब जो सॉल्यूशन दिया है, जो एक सॉल्यूशन इन्होंने सॉल्व दिया है, वो ऐसा दिया है कि आप उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकें। बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन ने ये बुक लिखी है, और इसका अगला जो एडिशन आने वाला है आप वो वाला जरूर खरीदिएगा, ठीक है ना। और ये डे थ्री एनालिसिस ऑफ ट्रांसलेशन वन काइनेमेटिक्स, ये देखिए काइनेमेटिक्स की थ्योरी दी है, बिल्कुल जो गेट को टच करते हुए जो थ्योरी दी है, ऐसी वैसी थ्योरी नहीं है, गेट को टच करते हुए बिल्कुल बुक बनाई गई है, कोई फालतू इसमें कंटेंट नहीं है, ठीक है ना। एनालिसिस ऑफ ट्रांसलेशन टू काइनेटिक्स, ये थ्योरीज दी है, और फिर उसके बाद ये सॉल्व क्वेश्चंस दिए हैं, ये थोड़ी और थ्योरी दी है वर्क एनर्जी फॉर्मुलेशन की, और फिर उसके बाद इम्पल्स मूवमेंट ऑफ फॉर्मुलेशन की, बीच बीच में न्यूमेरिकल भी डाले हैं, और फिर उसके बाद ये प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर दिए हैं, ठीक है।
ये बुक कंप्लीट बुक है। और ये मैं आपको फिर से बता दूं कि हर व्यक्ति जो गेट का एस्पायरेंट है, जो गेट की तैयारी कर रहा है, उसके पास ये बुक होनी ही चाहिए, ठीक है ना। और ये डे 5 है, एनालिसिस ऑफ रोटेशन। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देते हैं, एनालिसिस ऑफ जनरल प्लेन मोशन, ठीक है ना। पैटर्न बहुत अच्छा इस बुक में है, पहले थ्योरी, फिर एक अच्छा सॉल्व न्यूमेरिकल, फिर जितनी थ्योरी हो उस पर बेसिक सॉल्व न्यूमेरिकल, बिल्कुल चार्ट, जो भी केसेस आ चुके हैं गेट में उससे रिलेटेड ये चार्ट है, उसके आसपास ही, ठीक है ना, जो आगे एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं गेट के क्वेश्चंस, फिर थोड़ी सी थ्योरी, फिर न्यूमेरिकल, फिर सॉल्व पेपर। डे 8 एक्सियल लोडिंग, थोड़ी सी थ्योरी, फिर सॉल्यूशन, फिर थ्योरी, फिर सॉल्यूशन, फिर उसके बाद सॉल्व पेपर, ठीक है ना। सारी कंडीशंस इन्होंने डिवाइड किए और एक दिन में बच्चा जितना पढ़ सकता है उतना ही थ्योरी एक दिन के लिए सॉल्व न्यूमेरिकल और थ्योरी दी गई है, इससे ज्यादा बच्चा एक दिन में नहीं पढ़ सकता। टॉर्शन लोडिंग डे 9, थ्योरी, सॉल्व क्वेश्चंस, फिर अनसॉल्व क्वेश्चंस और गेट प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स। ये शेयर एंड बेंडिंग है ना, सोम पर आ गए हैं अपन लोग अब, ठीक है। सारे चार्ट्स बना बनाकर, जैसे कि हैंडबुक्स में दिया रहता है, बिल्कुल 3D डायग्राम बना बनाकर बिल्कुल दिया गया, ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े याद करने के लिए। ये देखिए पूरे चार्ट, हर चीज चार्ट बनाकर दिए, इससे टीचर की इफिशियंसी का मालूम पड़ता है, टीचर कितना इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव टीचर ने ये बुक लिखी है, इससे ये चीज मालूम चलती है, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, कंबाइंड लोडिंग 2D एंड 3D स्ट्रेसेस, 2D स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सॉरी कंबाइंड लोडिंग 1, 2D स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसमें हर बार गेट में एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, कंबाइंड लोडिंग 2, जनरलाइज्ड हुक्स लॉ एंड इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में बताया गया है। इलास्टिक कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अलग से उसके टॉपिक ले लेकर उसकी थ्योरी देना, उस पर बेस न्यूमेरिकल देना, ये अभी तक किसी भी राइटर ने ऐसा काम नहीं किया था जो मरुत तिवारी जी ने किया। कॉलम्स एंड एनर्जी मेथड, ठीक है, कॉलम्स एंड एनर्जी मेथड, ठीक है। और अपन और आगे चलते हैं, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिज्म, थ्योरी ऑफ मशीन्स यहाँ पर चालू हो गया है डे 16 में, ठीक है ना। फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिज्म, एक दिन में आपको ये पूरे चैप्टर, ये पूरे पेजेस पढ़ने, एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना, ये पूरे पेजेस पढ़ने और सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सॉल्व क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, इवन गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड भी जो भी इसमें दिया है वो आपको सॉल्व करना है। ये बुक आप लोग जरूर खरीद लीजिए, ठीक है। जितने भी गेट के एस्पायरेंट है मैकेनिकल, वो बुक जरूर खरीदिए। फिर 17 काइनेमेटिक एनालिसिस ऑफ प्लेनर मैकेनिज्म, काइनेमेटिक एनालिसिस ऑफ प्लेनर मैकेनिज्म, फालतू थ्योरी इसमें नहीं दी है, न्यूमेरिकल बेस्ड थ्योरी दी है जो गेट के लिए जरूरी है। ये बुक स्पेसिफिकली गेट के लिए बहुत अच्छी है, पब्लिक सेक्टर में के लिए जो टफ थ्योरीज आती है उसके लिए ये बुक बहुत अच्छी है, जिन पब्लिक सेक्टर में, जैसे जो है DRDO में तो बिल्कुल गेट जैसी तैयारी होती है, DRDO और गेट की तैयारी एक जैसी होती है, ठीक है ना। जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, IOCL, BHEL, ठीक है ना, NTPC, इनके लिए जो तैयारी रहती है वो क्वेश्चन पेपर पर डिपेंड करती है। अगर कुछ पब्लिक सेक्टर जो है थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस दे रही है जो न्यूमेरिकल बेस्ड थ्योरी पर है, ठीक है ना, तो उसके लिए अलग तैयारी होती है, ठीक है। गेट वाले उसको ज्यादा अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। कुछ जो बिल्कुल नॉलेज बेस्ड पेपर्स दे रही है उसके लिए इन बुक्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल टफ थ्योरी वाली बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ही सिंपल थ्योरिटिकल ऑब्जेक्टिव बुक्स की जरूरत पड़ती है, जिनका मैं रिव्यू पहले भी दे चुका हूँ। आप पहले वाली वीडियोस में DS कुमार का रिव्यू देख लीजिए, डी हांडा का रिव्यू देख लीजिए मेरा, ठीक है ना। बैलेंसिंग पर अपन आ गए हैं, ठीक है, तो ये बैलेंसिंग के जो है सारे क्वेश्चंस हैं, थ्योरीज है, गियर्स, पूरा थ्योरी ऑफ मशीन्स चल रहा है, गियर्स, थ्योरी ऑफ मशीन सबसे बड़ा चैप्टर होता है, सबसे लेंदी, बच्चा सोचता रहता है थ्योरी ऑफ मशीन में क्या करें क्या करें, लेकिन इसमें अच्छा, मैंने जब ये बुक, ये मैंने दो बुक खरीदी है, एक को सॉल्व भी किया है मैंने, ये दूसरी बुक है, तो
जब ये बुक जब आप पढ़ते हैं तो इसकी थ्योरी ऐसी दी है, बिल्कुल 3D डायग्राम बना बना कर ऐसी थ्योरी दी है कि आपको वो थ्योरी समझ में आनी ही आनी है 100%। मतलब ये बुक बोलती है आपसे, दिस बुक रियली टॉक विद यू। ओके, ठीक है, ये अपना गियर ट्रेन्स आ गए हैं, गियर ट्रेन्स आ गई, वाइब्रेशंस आ गए, अब ये थ्योरी ऑफ मशीन्स कंप्लीट होने वाला होगा। ठीक है, वाइब्रेशंस वन और वाइब्रेशन टू, हमेशा वाइब्रेशन का पार्ट ज़्यादा देखेंगे क्योंकि हर बार वाइब्रेशन के क्वेश्चन जो है वो आते ही आते हैं गेट में। डिज़ाइन फॉर स्टैटिक लोडिंग, ठीक है ना, डिज़ाइन फॉर स्टैटिक लोडिंग के क्वेश्चन देखिए आप। एक मशीन डिज़ाइन पर आ गए अपन, डिज़ाइन फॉर डायनेमिक लोडिंग, डिज़ाइन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है ना, डिज़ाइन ऑफ जॉइंट्स। कुछ बच्चे पूछते थे मेरे से जब मैं कॉलेज में हूँ, तो कुछ बच्चे मुझसे फाइनल ईयर के पूछते हैं, सर कोई की वगैरह नहीं आती क्या, जैसे कि हम इंजीनियरिंग के एग्जाम्स को की से सॉल्व कर लेते हैं, वैसे कोई गेट की नहीं आती क्या? तो वो एक गेट की आपके पास आ चुकी है और आप इसको ले लें। डिज़ाइन ऑफ बियरिंग्स, ठीक है, और डिज़ाइन ऑफ ब्रेक्स एंड क्लचेस, ठीक है, और डिज़ाइन ऑफ स्प्रिंग्स, फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए कितना अच्छा चार्ट बना बना कर दिया है, कोई हैंडबुक की जरूरत नहीं है। फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स, देखिए कितना अच्छा चार्ट बना बना कर दिया है, थिकनेस बहुत कम है, हैंडी बुक है, कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको ले जाने में, बहुत हल्की बुक है, दूसरी बुक की जगह मोटी नहीं है, तो इस बुक को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, अपने बैग में रखे रहिए, जब टाइम मिले आप पढ़ लीजिए। जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो ड्रॉपर्स ड्रॉपआउट्स हैं, उनके लिए तो नहीं है, उनके लिए तो अपन बोल ही नहीं सकते कि टाइम ही टाइम है उनके पास, तो वो बैठ कर पढ़ते हैं, कुछ टाइम कुछ फ्रेश करने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए वो बाहर जाते हैं। बट जो कॉलेज स्टूडेंट है वो गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सेकेंड ईयर से बुक को खरीद कर रख लें। फ्लूइड काइनेमेटिक्स वन, ओके, फ्लूइड काइनेमेटिक्स वन, देन फ्लूइड काइनेमेटिक्स टू, ठीक है, और विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो इंटरनल। देखिए मैंने जब कंटेंट बताया था तो आप ही समझ गए होंगे, विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो एक्सटर्नल, मैंने जब कंटेंट बताया था तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि इसमें मैथ्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये बुक सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, मैथ्स और एप्टीट्यूड के लिए आपको अलग बुक जो है वो करनी पड़ेगी। मेरे इन राइट मरु तिवारी जी से जो इसके राइटर हैं उनसे मेरी बात हुई थी, अगले एडिशन में ये और भी अच्छे चेंजेस कर रहे हैं इस बुक में, तो अगला एडिशन आप जरूर लीजिएगा। ये टर्बो मशीन्स, ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप के जो है टर्बाइंस के बारे में थ्योरी दी गई, स्टेडी स्टेट कंडक्शन बिल्कुल फोरियर इक्वेशन से चालू किया गया है इसमें, ठीक है, और मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ट्रांजिएंट कंडक्शन इन फेंस, ठीक है, और ये कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के बारे में, रेडिएशन, और HMT खत्म होने वाला है, रेडिएशन वन रेडिएशन टू, क्योंकि रेडिएशन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हर पार्ट को कवर किया गया, इसलिए जो पार्ट ज़्यादा आते हैं उसके दो दो सेक्शंस बनाए गए हैं। हीट एक्सचेंजर्स, हीट एक्सचेंजर्स से डे 44, ठीक है, आपको कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है बुक खरीदने के बाद। फंडामेंटल्स एंड द वर्किंग फ्लूइड, ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस वगैरह आ गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स चालू हो गया है आपका, ठीक है, और मैं लास्ट के चैप्टर थोड़े बता दूं, ठीक है, ये PPC 1 फॉरकास्टिंग, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पार्ट, ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पार्ट आपका चालू हो गया है, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस, ये चैप्टर भी मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छी थ्योरी है, मेरे को इतनी अच्छी थ्योरी कहीं भी नहीं मिली। न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, बहुत समझा कर न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है। मशीनिंग प्रोसेस 4th, मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस, ठीक है ना, और मशीनिंग प्रोसेस 3, मैकेनिक्स ऑफ ऑर्थोगोनल मशीनिंग। एक बात मैं आपको इस बुक के बारे में बताना चाहता हूँ, ये बुक अगर आपके पास होगी तो आपको कोई अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप इस बुक की थ्योरी पढ़कर सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। मैंने आपको फिर से बता दिया है, हर बार हर वीडियो में बताता हूँ कि ये एक्यूरेसी और स्पीड का एग्ज़ाम है, तो इसमें आप नॉलेज, नोट्स,
इनकी इतनी, हाँ बाद में रिवाइज करना हो तो इसी में से रिवाइज कर लीजिए आप। ये इटसेल्फ बहुत अच्छे नोट्स है, तो आपको फालतू नोट्स पढ़ने की बनाने की जरूरत नहीं है अपने आप से। आप सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, रिवीजन पर्पस के लिए आप इसी में से सॉल्व करिए, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी दी नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि यहीं कहीं लिख लीजिए, कोई चीज आपको समझ में आई जो आप बाद में भूल जाओगे तो यहीं कहीं लिख लीजिए। एक वीडियो में बनाऊंगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है ना। कास्टिंग वन, कास्टिंग प्रोसेस आई है, प्रोडक्शन का पार्ट थोड़ा सा देखना चाह रहा था मैं, है ना, और प्रोडक्शन के पार्ट भी मैंने इसमें से ही पढ़ा है पूरा, बहुत अच्छे समझाया गया है। फॉर्मिंग प्रोसेसेस, फंडामेंटल ऑफ रोलिंग, ये रोलिंग भी पढ़ा है मैंने इसमें से, ठीक है ना। फॉर्मिंग प्रोसेसेस टू, फोर्जिंग, ड्राइंग एंड एक्सट्रूजन। फॉर्मिंग प्रोसेस थ्री, शीट मेटल वर्किंग, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स इसमें से बनते हैं गेट में, जो बहुत काम आएंगे आपको। वेल्डिंग प्रोसेसेस, ठीक है, वेल्डिंग बहुत अच्छा दिया हुआ है इसमें, ठीक है। और मशीनिंग प्रोसेस वन, ये अपन वापस आ गए मशीनिंग प्रोसेस में, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो है वो आते ही आते हैं इसमें, पुराने गेट के क्वेश्चन पेपर भी कवर हो रहे हैं, ठीक है ना। ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पार्ट है, पार्ट CPM, ठीक है। तो और ये अपना ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ट्यूनिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये बुक आप ले लीजिए बिल्कुल, और अच्छे से सॉल्व करिए, सारी बुक सॉल्व करिए, अपने बैग में रखे रहिए, अपने बैग में रखे रहिए, जब टाइम आपको मिले तब आप उठा कर ये बुक को पढ़ सकते हैं। और ये बुक इज द की, और मैं इस बुक को, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, इस बुक को शेयर करिए, ताकि सारे स्टूडेंट्स को मालूम चले। ये बुक ज़्यादा कॉस्ट की भी नहीं है, सस्ती है ये बुक बहुत, और इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिए, और ताकि और भी बच्चों को इस बुक के बारे में मालूम चले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, थैंक यू।